गाइस अभी टाइम हो रहा है एक बज रहा, हम अंदर आ चुके हैं। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, आपको यहाँ से 12 किलोमीटर कवर करना पड़ता। गाइस ये है शैलेश्वरम का एंट्रेंस, रात में नहीं कवर कर सकते इसलिए अभी बता दे रहा हूँ आपको। ये वाला एंट्रेंस जाने के लिए अभी तो बंद है, रात में खुलेगा। भाजा लाइट बंद कर दो, सच बांध दे सीधी जान दो, नहीं आ रही, बस बस। गाइस ये है हमारी गाड़ियों की हालत, सही में कितना किच किच था। महेश कहाँ जा रहे हैं आप? ट्रैकिंग करने आ रहे, गोइंग टू ट्रैकिंग। लकड़ियां ले लेने के बाद शिवा वेयर आर यू गोइंग? दिस इज मंदिर, दिस इज मंदिर। अरे केशव भाई कहां जा रहे? केशव भाई कहां जा रहे? केशव भाई पानी नहाने, पानी नहाने के बाद मंदिर को जाते हैं। अब आ गए सभी, हम पहुंच गए शैलेश्वरम। तो ये अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं और इधर से लगभग आपको 6 किलोमीटर जाना है। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं, हम एक्चुअली क्या है जल्दी निकल गए वहाँ से क्योंकि रास्ता जल्दी कवर कर लेंगे बोल के, और सुबह सुबह दर्शन होने के बाद फिर रिटर्न हो जाएंगे हम यहाँ से। इधर की रास्ता बहुत अप एंड डाउन ज़्यादा है, इसके लिए आप इधर आ रहे तो प्रॉपर शू कंपल्सरी कैरी करें इधर आने के लिए। और एक्चुअली ये जो मंदिर है वो सिर्फ साल में एक ही बार खुलता, वो भी हनुमान जयंती को। आने से पहले प्रॉपर शू चप्पल रहे तो बहुत मुश्किल है बटे। अभी हम पहुंच गए शैलेश्वरम, यहाँ की इधर ट्रैकिंग अभी चालू हो गई हमारी। यहाँ आप आने से पहले अंदर गाड़ी में आ सकते हैं, उसका टिकट होगा 500 रुपये। 12 किलोमीटर तुम कवर कर सकते हैं कार में, उसके बाद कार रख दे के पार्किंग, कार रखने के बाद आप कहेंगे फिर बाईवॉक जाना पड़ता आपको ट्रैकिंग करते हुए। और यहाँ की रास्ता बहुत ही ख़राब है, सो जो भी बड़े छोटे कोई भी आ रहे शू कैरी कर लो, अगर स्लीपर्स वगैरह ये तो क्या फिसल के गिर सकते हैं, शू कंपल्सरी कंपल्सरी है। सो आपसे सबसे निवेदन है कि कंपल्सरी शू ले लेके आए। और अभी टाइम हो रहा सुबह के 2 बज रहे, आप सोच सकते कितना हमें जुनून है चलने और घूमने का। हम कल निकले थे 2 बजे, अब तक तेल निकल रहा, रात में 2 बजे निकले, फिर आज भी 2 बजे यहाँ वॉकिंग पे निकल गए। ये हमारा ऊपर चांद है, ये हमें इतनी रोशनी दे रहा कि रास्ता तक दिख रहा हमें। रात के 2:30 बज रहे फिर भी चल रहे हम, पर ग्रेट ये चांद चांद की वजह से हमारे रोड दिख रही, बोला तो ग्रेट है विदाउट टच वो भी। अभी मैं फ्लैश बंद कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा, उतरना है अपन को। सो अभी चलते हुए देखते हैं।
ये हमारा जिग्नू बहुत ही थक गया। हाँ रे जिग्नू, थक गया नहीं थक गया? हाँ ये देख क्यों बोल रहे हैं जिग्नू, थका नहीं थका? ये हमारे बिल्डर साहब, बॉडी बिल्डर। ये है क्यू लाइन, आप देख सकते हैं। हो ये है वाटरफॉल, ये है पानी का झरना। क्या बोला बड़े? पड़े दर्जक कुछ शिवा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग शिवा, कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया। बहुत खुश लग रहे तुम? हाँ, ऊपर चढ़ने का भी अब अरे हर महादेव। हमारे दर्शन खत्म होने के बाद अभी हम रिटर्न जा रहे हैं ऊपर पार्किंग के पास। अभी हम फिर रिटर्न, ये रास्ता है जाने के लिए यहाँ से। ये हमारे हो गए दर्शन, अभी हम चलते घर, बहुत ही थक गए। अभी सुबह के 6:30 बज रहे, नॉन स्टॉप 6 किलोमीटर गोइंग, 6 किलोमीटर कमिंग, बहुत ही हालत ख़राब हो गई है हमारी गाड़ियों की हालत। गाइस आप देख सकते कि ये रोड बहुत ही ख़राब था, पूरा मट्टी मट्टी उड़ रहा था और आगे का कुछ दिख रहा था भी नहीं हमारे। इसके लिए हमको बहुत ही दिक्कत हुई, ऐनक में कुछ भी नहीं दिख रहा था, पानी मारने के बाद भी बहुत ही दिक्कत हो गई हमें चलाने पे। देखो आप भी देख सकते ये हालत थी भाई यहाँ तो, बाइकर के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। हमारी गाड़ी की हालत ही बहुत ख़राब हो गई थी, ये बाइक वालों की हालत तो बहुत ही गंभीर हो गई थी, लाल लाल हो गए थे। इस वैसे भी बसा वाले आके भी बीच में बहुत सिंगल रोड पे मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो गई थी यहाँ पर, और आप देख सकते हो बहुत ही ट्रैफिक था। गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि सब लोग हमारी गाड़ी को देख रहे हैं कि इतनी पब्लिक में भी क्या है। हाँ इधर आए तो सिर्फ तार में आना, मतलब अपने गाड़ी इजी निकल जा रही थी सबसे, तो सब लोग इधर तार है, तार तार है, सब लोग का रिएक्शन। ये भाई को देखो फोटो लेते भी, सबका रिएक्शन की तार पे एकदम अट्रैक्शन, एकदम सेंस, लाइक कौन सी भी गाड़ी नहीं होना, सिर्फ तार होना।
दो गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था भाई, लोग ये बाइकर्स वाले तो सुन रहे थे ही नहीं, बीच बीच में आके साइड मार ले गए, ट्रैफिक जाम कर दे रहे थे, उसके कारण बहुत ही दिक्कत हो रही थी निकलने के लिए। भाई लोग भी बहुत ही मेहनत करे ट्रैफिक क्लियर करने के लिए यहाँ पर। अब रहता 5 दिन का, इसके लिए उसी का कारण इन लोग भी कुछ क्या कर सकते कौन। ये नई तार वाली ब्लैक कलर की तार और हमारी भी ब्लैक कलर की आमने सामने। ये क्रेटा भाई वाले का रिएक्शन एकदम सडन देख के हमारी गाड़ी को। गाइस ये था हमारा ट्रिप शैलेश्वरम हॉर्स स्टेशन के लिए, बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ बस अभी हम पैकअप करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे।